हाँ पापा, कैसे बेटा? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। किधर है अभी? अभी पापा हम लोग हैं जो सिलीगुड़ी में, अभी दार्जिलिंग की तरफ निकल रहे हैं। अच्छा पापा, इसके बाद एक जगह और है, फिर एक हफ्ते में घर पे आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ पापा, आप भी ध्यान रखना। हाँ ओके। हाँ ओके, बाय। रियलिटी शो रोडीज के फैंस के लिए बुरी खबर है। एमटीवी रोडीज X4 के क्रू मेंबर्स का शनिवार सुबह दार्जिलिंग के पेसोक व्यू पॉइंट के करीब एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में 12 क्रू मेंबर्स घायल हो गए हैं। लोगों के हाथों और पैरों पर चोट आई है। ये होता है ना कि दिस अ वेरी जस्ट वन पर्टिकुलर डे बिकम्स अ बैड डे एंड थिंग्स हैपेंड द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड द अदर वर्स्ट थिंग अबाउट दैट प्लेस इज जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है इट वॉज अ रिकॉर्ड कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैज एवर हैपेंड इन दैट प्लेस इट वॉज 100% फेटल वी वर द फर्स्ट पीपल जिनका एक्सीडेंट हो गया एंड नन ऑफ अस डाइड होश उड़ गए पता नहीं क्या हुआ किस हाल में है और जब ये पता चला कि मतलब मेजर एक्सीडेंट है तो और ज़्यादा घबराहट हो गई प्राण सूख रहे थे कि कैसे हो गया किस हाल में होगा क्या क्या कंडीशन है वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल तो ICU में देखा उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर थी क्या होता है कि आपके पास जब बहुत चीज़ें होती है और आपको वो डर नहीं होता है पता है आपको वो अजीब सा डर होता है कि खोने का या ये चीज़ चली जाएगी या ये अच्छा ये नहीं रहेगा वो जब तक आपके साथ नहीं होता ना तो यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट फीलिंग जब मैंने गौरव को पहली बार हॉस्पिटल में देखा ही वॉज इन कोमा हम ऐसा लगा कि वो अकेला कोमा में नहीं गया हम सबको ले गया समो पता चल गया कि एक्सीडेंट हुआ गौरव हुआ सबसे ज्यादा इंजरीज गौरव को ही हुई मैं काफी टाइम के बाद गया था हॉस्पिटल और एक व्हीलचेयर में कुछ टेस्ट करके मेरे सामने आया था और उसके सामने खड़ा लेकिन वो मुझे देख रहा है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है देख के भी पहचान नहीं पा रहा था और वो देखा नहीं गया वैसे मेडिकेशन की वजह से शायद होश नहीं था उसे वो मूव ही नहीं कर सकता था अच्छे से प्रॉपरली लोगों के सामने भले वो एक फन था जिसके साथ होता है जिसके घर में होता है उनको ही फील होता है देखने वाले से देख के एक्सपीरियंस ले सकते हैं और जिसको होता है वो आपके सामने द डे ऑफ डिस्चार्ज डॉक्टर बोला इट्स ओके आप इसको घर लेके जा सकते हो ये पूरी मतलब उसके पैरों में जान ही नहीं थी क्यों सब बोले सब सर से कनेक्शन है इसका जैसे जैसे सर में इम्प्रूवमेंट होएगा वैसे वैसे बॉडी पार्ट काम करेंगे 2 महीने बाद वो अपने घर आ रहा था यहाँ पे घर वाले दोस्त लोग बचपन के दोस्त लोग स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स सब यहाँ वेट कर रही कि उसके रूम को सजाने के लिए लोग सुबह से यहीं बैठे थे कि उसके थोड़े मेमोरीज रिकलेक्ट करें जब वो एंटर्ड हुआ घर पे फुल्ली डिस्टर्ब था जितने हम एक्साइटेड थे उसके सेम अब ऑपोजिट शायद वो डिस्टर्ब था फुल माइंड से
जब उसको वो रूम में लेके आए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, जो भी उसके चीज सामने थी उसको बोला कि सब हटो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वी वर डिस्चार्ज, बोथ ऑफ अवर डिस्चार्ज ऑन गौरव एंड मेरा बर्थडे के दिन में 10 दिन का अंतर है। सो आई जस्ट रीच बिफोर माई बर्थडे आई वॉज डिस्चार्ज एंड व्हेन आई केम आउट हियर द फर्स्ट थिंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गौरव ब्रदर सेइंग दैट यू नो इसका हालत ख़राब है नॉट बट ही इज़ कम बैक टू घर पे आया वो। सो आई डेंट नो अबाउट गौरव हाउ ही वॉज एंड वॉट हैपन ऑल दैट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही जाता मिलता हूँ उसको। When I seen him and I was surprised कि this is not the kind of a person that I had seen. He was like a, वो बोलते ना a carcass just lying out there. बगला, उसका बगला आ जाती ना। अरे, happy birthday. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जिंदगी में जो भी कुछ चाहिए वो मिले। साक्षी बेदी इधर देखिए चलो पकड़ो अभी। इसकी डिफिकल्टीज, इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी आई थिंक पूरी चेंज हो जाएगी। पहले उसकी प्रॉब्लम अलग थी, अपने वो हर छोटी छोटी चीज़ें जैसे बच्चा होता है ना, वो रो के बताना, मुझे ऐसा लगा अभी इसकी चल के जाना, वो समझना, वो सारी वो अभी कंटिन्यूस रहने वाली है। आई नो कि एक बार आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है doesn't restore fully. I heard this and I hope इसके केस में ना हो। वो तो अंकल को ही बोलता था, पापा पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरा इलाज कैसे करा रहे हो, अपनी हालत ठीक नहीं है, अभी सब बिजनेस में इतना लॉस हो गया ये वो। तो अंकल यही बोलते, नहीं बेटा हो रहा है ना सब, मतलब खर्चा पूरा MTV वालों ने दिया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, उन्होंने बहुत हेल्प किया। Physically completely able as much as he was before he's or he is right now, and he had a slur in his speech, his bodily movements were not fast, it was, I don't know if I could say this, I felt a bit sympathetic towards him, but I remember speaking to him and he said that अरे यार ये भी इसको भी हरा देंगे अपन, and that moment for me was very very inspiring. Angry, happy, smiling, crying, इधर देख के घर पे उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस थे। हम लोग उसके साथ काफ़ी एक्टिविटीज करते थे ताकि उसका ब्रेन एक्टिव रहे, मेमोरीज याद दिलाना, उसके साथ तरह तरह के गेम्स खेलना, चेस खेलना, स्क्रैबल खेलना, उसको बार बार हम वो फोटोज दिखाते थे कि ताकि हम वो बता पाए कि ये फोटोज कब की है, कहाँ की है, कौन कौन इस फोटो में है, हम कब गए थे, कहाँ गए थे, सारी चीज़ें वो हम उससे पूछ रहे थे ताकि उसकी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले।
The day I saw him, it was really bad and difficult because the way he introduced himself to me, किसी का reference लेके कि मुझे Jonas ने भेजा है something like that, I couldn't understand वो क्या बोल रहा है. I had to ask him 2-3 times only, then I could understand कि वो Jonas का नाम रहता, who's some other patient working out here. So that was his state, his stability, his control, confidence, things were bad. So I feel one of the best factor was his camera, which made him come here and be into this position where he is presently. He used to work carrying water in a plate just to get his stability back to hold the camera so that the camera doesn't shiver when he is into that shooting mode. Like looking at him, I feel I'm very proud of him, having him as my patient, because he really did well. He's a milestone patient for me. The main important part, we wanted to work upon his body movement, because that is the most important aspect, because he has had an accident where this is what got affected. If you have that willpower, obviously, you can achieve anything. So he had a particular exercise program which is designed by his physiotherapy, because that is important, the coordination between physiotherapy and the personal trainer. If we go with this combination, it helps a lot to a person to improve over the period of time. Also, it was not easy. We had worked a lot. There was time where we were frustrated as well together. We were like a team. But yes, he was very motivated and I got inspired a lot. I, use him as my example and I motivate my clients, saying that, you know what, this person can do it, you can do it, and you are physically and mentally fit. He wasn't. Now he's a kind of example for us. That's how, I always tell my clients how this person has inspired me. जब गौरव मेरे पास आया ये अचानक से रिक्वेस्ट लेके कि he wants to tech with me to Pep Fort. So पहले तो काफी surprising लगा, because I knew his situation के वो कौन से challenges face कर रहे हैं, and the accident had affected him greatly. एंड ट्रेकिंग में थोड़ा सा मुझे डर लगा, बट ही वॉज लाइक नहीं मितिन, अगर अभी मैं स्लो गया तो फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा. सो आई वॉन्ट टू गुड, आई वॉन्ट टू डू दिस. उसका कॉन्फिडेंस देख के आई कुडंट से नो टू हिम. वी टुक हिम विद अस, हम पेप फोर्ड के लिए निकले. काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट वुड हैपन, एंड काफ़ी डर भी था मन में हम दोनों के. बट एज द डे अनफोल्डेड ही वॉज वेरी कंफर्टेबल स्लोली स्लोली. With help of his friends, with help of our team members. Tell you what, let's do it. He managed very well to reach the top. पर पहुंच के हम सब तो उसी हाइट पे थे, but definitely वहां पहुंच के वो अलग हाइट पे था, क्योंकि उसने एक चैलेंज खुद को किया था. एंड वो उसने खुद के लिए प्रूव कर दिखाया कि ये जो बाउंड्रीज है वो तोड़ चुका है, एंड वो इस चीज को थोड़ा पीछे छोड़ चुका है. I have managed to climb up here to the Pep Fort. I have completed the Pep Fort. It is not even hard, but it's medium. But the medium for me was hard. It was like very hard. They don't have any idea like what they have made me achieve. Like this is not a
easy thing for me. This was not at all easy thing for me. I don't know how did I manage to climb up here. The feeling, but the feeling is awesome. What was more remarkable was his emotional or mental strength that he had. In spite of the situation or the condition that he was in, I recall very clearly talking to him about how are you feeling, how is he coping up with all of this, and his reply was with that warm smile that he always has. He said, "Clint, we are going to win this battle. I know it might take some time, but I'm not going to give up." So I think to have that certain sense of inner strength, it is a conditioned strength. You can't just fake that. Even if you fake it, if you are not sure about it, it might not reflect back on you. And looking at his journey until now, you know, I think the doctors would have not assumed that he would have been back to life the way he is right now. So, you know, cheers to my man. Rolling! I know Gaurav for a few years now, and after the accident, it was really tough for him, for his family, and for his friends who cared about him. And he was in coma. It's not easy to get out of that. And physically, he was not 100%, but the guy bounced back. And I remember before the accident, he was a naughty guy, very playful and very pleasant. And it was amazing to have him around on the set. And the first time I saw him after the accident, when he was on the set, he was apprehensive. He was trying to gather his wits, and you know, even his balance was a little off. But sheer will, hard work, and that never say die attitude. Gaurav is a fighter. It's amazing that he's back. And again, he's naughty on the sets. He does his job really well. It's fun to have him around. I saw a video of him trekking and climbing, and thanks to Activity Adda, and that filled my heart with so much happiness, because he's now doing everything that he always wanted to do. And you know what, Gaurav is an inspiration. And Gaurav, I'm hoping that you and I get to climb or trek together or do some adventure activities together. And that's it. Hope to see you on the next shoot, brother. See you.